वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 10 और अभी तक मेरे हाथ में करवा चौथ की मेहंदी नहीं लगी है, इसलिए मैं सोची कि क्यों ना मेहंदी लगाते लगाते एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो आज मैं खुद से मेहंदी नहीं लगाऊंगी, आज मैं गुड़िया को बुलाई हूँ तो वो मेहंदी लगाएगी, देखती हूँ कैसा मेहंदी लगता है। सो गाइस, पहले चलते हैं मेहंदी लगाने के लिए। हमारी मेहंदी आर्टिस्ट आ चुकी है मैदान में और अभी रात के बज रहे हैं। कौन भी नहीं लाई, देख लो। हाँ ये मेहंदी लगाने बैठी है गुड़िया, पर मेहंदी लेके नहीं आई, अभी गई है किचन से मेहंदी लेके आएगी। देखते हैं कैसा मेहंदी आज लगता है गाइस, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कितना टाइम लग रहा है मेहंदी लगाने में। नहीं, अभी कितना बज रहा है, घड़ी दिखाओ। अभी अभी पहले चालू नहीं, अभी डिजाइन डिसाइड हो रहा है। हाँ, फिर भी तो दिखाओ, मतलब घड़ी देखना है। हाँ देखो देखो गाइस, 22:49 मतलब 10:49 हो रहा है। हाँ 11 बजे से चालू होगी मेहंदी, तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितने बजे तक कंप्लीट होती है मेरी दोनों हाथ में मेहंदी लगाना। चलो ऐसे नहीं, हाँ अगर मेहंदी आर्टिस्ट का काम चाहिए तो टाइम नहीं देखना होता, स्पीड नहीं देखना होता। और स्पीड देखोगे तो आपको ढंग का काम नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, प्लीज गाइस डोंट जज मी। अच्छा ठीक है, तुम पूरी रात ले लो। हाँ देखती हूँ, ठीक है। तो गाइस फाइनली अब हमारा मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया है, 11 बज रहे हैं रात के, देखते हैं कब तक हमारी मेहंदी रेडी होती है। आज पूरी रात जागनी है, टाइम तो लगेगा। देख और ये भी देखेंगे कितना जल्दी गुड़िया पूरी मेहंदी भरी हुई लगा सकती नहीं है बोलो। तो समझ लो फिर कोई भी लगवा सकता है इतना टाइम, फिर टाइम भी पता चल जाएगा ना अपने को, इतने टाइम में तुम दोनों हाथ में मेहंदी लगा सकती हो। ऐसे थोड़ी जज कर सकते हैं किसी को, जज थोड़ी ना कर रही हूँ मैं, बोली तुझे पता तो चल जाएगा कि कितने टाइम में एक हाथ में मेहंदी कंप्लीट होती है। फटाफट पूरी रात आज जागनी पड़ेगी, करवा चौथ की मेहंदी आज हम लोग पूरी रात जागरण करेंगे क्योंकि कल है संडे, कोई टेंशन की बात नहीं है। उठाना 10 बजे 10 बजे और तब तक बोल रही थी 8 बजे तक, अभी बोल रही है गाइस 10 बजे तक, मतलब इसका मतलब कल संडे है तो पूरा संडे सोना ही है क्या? बस 10 बजे उठूंगी फिर, तब तो मेरा उपवास रहेगा कल, टेंशन ही नहीं नाश्ता पानी का। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, इसीलिए आपके अच्छे के लिए बोला मैंने। चलो बढ़िया है गाइस, कल सुबह हम मुझे नाश्ता बनाने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। पर लेकिन बताऊंगी कि नाश्ता बनवाई कि नहीं, बनाना पड़ेगा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को गाइस। ऐसा रहे कि जैसे कि अपना हाथ दे तो हम सो जाए, चुपचाप बैठे रहो तो मेरे को नाटक नहीं चाहिए। अब इतना टाइम तक इंसान कैसे कोई शांत बैठ सकता है, दुनिया बैठती है, मेरे को खुजली होती है बहुत, इधर खुजली होगा हाथ में खुजली होगा, मेडिकल पे दवाई मिलती है खुजली की। पर ये मेहंदी लगाते वक्त अभी से मेरा कमर टेढ़ा हो गया, वो मैं दिन भर से बैठी हूँ मेहंदी लगाने। नहीं गाइस, आज मैं एक्चुअली गई थी कलगाम मंदिर, महाप्रसाद का आयोजन था तो उसमें पूरा दिन लग गया मेरा, फिर आई शाम को करवा चौथ का मैं शॉपिंग की, फिर 7 बजे जाके मैं घर पे आई हूँ। अच्छा बात है, 7 बजे सुबह से पढ़ रही हूँ। हाँ ठीक है, सब पढ़ने में कोई गाइस मेहनत लगता नहीं है, सब काम की सब काम की बात आती नहीं। 2:30 बजे कॉलेज गई, एग्जाम लिया, सारे एग्जाम का स्ट्रेस होता है, कुछ नहीं स्ट्रेस होता, खाली मजा कर लेते हैं उसके जुड़ के बोलती है यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसके बाद सब ये सब करके फिर उसके बाद कॉलेज से घर आई, घर आई तो एक जन को और मेहंदी लगाना, तो उनको मेहंदी लगाई, फिर वापस एक जन को और मेहंदी लगाने को फोन आया, फिर उनको मेहंदी लगाई, फिर मैडम ने फोन किया, घूम घूम मैडम ने फोन किया, मैडम बोली कि बेटा कितने बजे आ रही हो, मेहंदी लगाना है, नहीं खाना खाने पनीर खाने। अच्छा और फिर आने के बाद पता चला ये सब आ रहे हैं तो मैं इन सबों के लिए पनीर की सब्जी भी बनाई, तो मेहंदी लगाने में बहुत इतना मेहनत लगता है। मैं जैसे ही मेहंदी लगा के उठी ना वैसे ही मैं आपके पास आई, इतना देर तक
दो जन को लगाया, भर भर के लगाया, एक को तो नॉर्मल लगाया, एक को भर के लगाया पूरा, जैसे आपको लगाना। अभी मुझे लगा ही नहीं तो कैसे पता हो गया? अभी तो स्टार्ट हुआ गाइस, और मेहंदी लग गई, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। अच्छी लगाती हूँ दिखाऊंगा, अच्छी तो लगाती हूँ, कई बार मैं दिखाई हूँ। तो गाइस फाइनली मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो जाती है, और ये देख सकते हैं हम लोग बहुत सारी बातें करते करते मेहंदी लगाते हैं, और रात के बज गए थे 11, क्योंकि मैं लेट से आई थी शॉपिंग करके। तो इसके लिए खाना बनाओ, फिर उसको माजो धो, इसमें टाइम लग जाता है। तो फिर मैं बोलती हूँ गुड़िया फटाफट मेहंदी लगा दो, और नींद तो मुझे ऐसी आ रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर भी मैं बोली कि अच्छा ठीक है, गुड़िया बोल रही थी चाची अब सोना मत सोना मत, मुझे नींद आती है, मैं मेहंदी लगाती तो मुझसे बैठा नहीं रहा जाता। तो हम लोग बहुत सारी बातें करने करते कर रहे थे। तो गाइस जो भी मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिए। और ये देख सकते हैं मेरी आंधी मेहंदी लग गई है, और मैं ये वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दी क्योंकि मेहंदी लगाने में टाइम होता है। और फिर 12 बजने में मतलब आधा घंटा बाकी था, तो मैं बोलती हूँ लाओ दो पानी भी पी लेती हूँ, और पूरब से थोड़ा सा चॉकलेट मांगती हूँ वो खाती हूँ, और मैं पानी पीती हूँ, और उससे बोलती हूँ कि क्योंकि हम लोग जैसे कि सुबह सब बहुत लोग सरगी खाते हैं, बट हम लोग 12 बजे के बाद न खाना खाते हैं न पानी पीते हैं। हम लोगों का ऐसा ही है कि 12 बज गए तो हमारा उपवास चालू हो जाता। तो गाइस ये देखिए फाइनली मेरे एक हाथ में एक साइड ही मेहंदी लगी है, वो भी पूरे पता है कितने टाइम में, कितने टाइम में गुड़िया, रियल में बता रहा हूँ 58 मिनट्स में, 58 मिनट्स में। अभी देखते हैं कब तक लग जाती है गाइस मेहंदी, लेकिन बहुत प्यारी मेहंदी लगी है, प्यारी लगने के लिए तो टाइम तो लगा ही ना, बराबर मस्त लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। ऐसे छाप लो, हाँ छाप लो छाप लो, ऐसा इतना ईजी होता तो फिर तो मजा आ जाता। टड़ा गुड्डू का फोन करता टड़ा। चलो बाबा पसंद आ रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, मस्त प्यारा प्यारा लग रहा है। ऐसे ही छाप लो ना, प्रिंट कॉपी पेस्ट वो भी खराब हो जाएगा। चलो भाई जल्दी जल्दी लगाओ, 12 बज गए, हस्बैंड ही लगेंगे गुस्सा करने। गाइस अभी इस हाथ में मैं मेहंदी लगा के आप लोगों को बताती हूँ और दिखाऊंगी भी, कमेंट करके बताना कैसी है मेहंदी। और जिसको भी ब्राइडल मेहंदी लगवानी है ना तो हमारे यहाँ आ सकता है, उसको गुड़िया ब्राइडल मेहंदी आपको लगा के देगी, बहुत सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा। तो गाइस हमारी मेहंदी लग चुकी है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, दिखाओ भाई खूब अच्छे से दिखाओ। हमारे कैमरामैन इस टाइम हमारा कैमरा पकड़ी हुई है गुड़िया। देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना, पर प्यारा तो लग रहा है पर मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी मेहंदी हो गई है ख़त्म। इस साइड के लिए मेहंदी खत्म हो गई गाइस, मैं क्या करूं, रात के बज गए हैं 1 और हमारी मेहंदी हो गई है खत्म, खलास। ये गुड़िया के वजह से ये सब कांड हो रहा है गाइस। मैंने क्या किया? एक साइड की मेरी मेहंदी रह गई है गाइस, देखती हूँ कल लगता है। हा? मैंने क्या किया? तो दो कौन क्यों लेके आई? मैं जिंदगी भर आपको दो ही कौन सी मेहंदी लगाई? आज मेरा हाथ बढ़ गया? नहीं आज मेहंदी दूसरी लगाई ना गाइस, ये मेहंदी कम लाई थी, सिर्फ दो कौन लाई थी, इसके वजह से इतना सुंदर मेहंदी, लेकिन पर मैं थोड़ा उदास हूँ, जब तक मेरा हाथ दोनों साइड नहीं भरेगा तब सुबह तक भर जाएगा 12 बजे से पहले, लेकिन मस्त बहुत प्यारा लग रहा है ना गाइस। कमेंट करके बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी है, करवा चौथ की मेहंदी है, मस्त प्यारा लग रहा है ना। लगाया कौन है? मैं लगवाया, किसका हाथ है इतना प्यारा इतना खूबसूरत, भाई ये तो ये अलग ही सीन चल रहा है आप लोगों ये मेरा हाथ है, मैं हूँ ही गाइस, ये है ना 1 घंटे की नींद ली है इन्होंने पूरी मैंने ये वाला हाथ पूरा नींद में ये थी तो लगाया गाइस, ये क्या कर दे रही है बार बार। गाइस कैसा है कमेंट करके बताइएगा, सीरियसली कितना प्यारा लग रहा है ना, अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा गाइस। ये हमारा नाम है, हमारे हस्बैंड जी का भी नाम है। आपने शादी में अपने ऐसी मेहंदी लगवाई थी? ऐसी मेहंदी मेरी शादी में कोई नहीं लगाया था, बट अभी मैं लगवाती हूँ, अभी इतना भर के तो फर्स्ट टाइम लगाया है ना।
नहीं छत पे भी लगाती हूँ सेकेंड टाइम लगाया। और सेकेंड टाइम भी लगाया, बट मैं दुखी हूँ थोड़ा, अरे नाराज हूँ सुबह सुबह गाइस। सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा आपको, सुबह मंगा के सबसे पहले काम करके सबसे पहले इससे मेहंदी लगवाऊंगी गाइस, फिर इसको जाने दूंगी, नहीं तो जाने तो ही इसको जाने दूंगी गुंजन पे, नहीं तो नहीं जाने दूंगी। सो गाइस आज के मम्मी सुन लो चाची मेरे को किडनैप कर रही। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करके जरूर से बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारी सी, गुड नाइट।